गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का 14th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, है ना। सरफेस केमिस्ट्री, है ना। सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर कितना है? 14, है ना। इसके पहले सरफेस केमिस्ट्री में 13 लेक्चर ले चुके हैं, आज जो है सरफेस केमिस्ट्री का 14th लेक्चर है। कल पढ़ाए थे जीओसी, आज पढ़ा रहे सरफेस केमिस्ट्री, है ना। बताए ही है, 4-5 क्लास लगेगा, इसीलिए इंटरनेट पढ़ा रहे हैं। कल जीओसी पढ़ाए, आज सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिर कल पढ़ाएंगे जीओसी, समझ रहे हैं ना। और तुम लोग को एक चीज़ बता देते हैं, कल से 11th का क्लास डेली अलग से देंगे। हालांकि जीओसी जो है 11-12 दोनों के लिए है, लेकिन 11 बच्चा तो समझता नहीं होगा, ठीक ना, 12 का समझता होगा, इसीलिए 11 क्लास के बच्चे जो भी हैं, आपके भाई बहन, छोटे भाई, बड़े भाई जो भी हैं, जो आसपास में स्टूडेंट जो मैट्रिक पास किए हैं, इस बार पढ़ना चाहते हैं, लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो भागलपुर आना ही है, तब तक के लिए जो है कल से, तब तक के लिए कल से जो है हम 11th क्लास के लिए डेली एक एक वीडियो देंगे। एक क्लास 11th के लिए देंगे, एक क्लास 12th के लिए देंगे, समझ रहे हैं ना। तो 11 के जो भी बच्चे हैं, इसके पहले 10 वीडियो हम करीब करीब 11 में दिए हैं, 10 वीडियो 11 में दे चुके हैं, उसको भी कहिएगा देखने के लिए। और कल से डेली जो है एक एक क्लास देंगे, किसके लिए? 11 के लिए, ओके। अब डेली चलेगा, उसमें पढ़ाएंगे हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चूँकि मैट्रिक के पास बच्चा वही सब बुझता ही है, वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कम समझता है ना। कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बानायन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रिजोनेंस इफेक्ट क्या है, वो सब कम समझेगा, समझेगा कम समझेगा, उसको मुख्य रूप से वही सब पढ़ाएंगे बेसिक बात। और उसमें मुख्य रूप से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, ये सबको डिस्कस करेंगे। तो खैर छोड़ो, आज जो है सरफेस केमिस्ट्री का 14th लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 13 में हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब भौतिक अवस्था, मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। इस आधार पर हम कोलोइड्स को कितने भाग में बांटे थे? 8 भाग, समझ रहे हैं ना। किस आधार पर? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम की भौतिक अवस्था क्या है, मतलब वह सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। इस आधार पर हम कोलोइड्स को कितने भाग में बांटे थे बच्चों? कितना भाग में बोलो? 8 भाग। यानी कोलोइड्स कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ओके। आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड व्हाट इज डिस्पर्सन मीडियम। एज यू नो, डिस्पर्स्ड फेज द कंपोनेंट ऑफ द कोलोइड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट इज नोन एज डिस्पर्स फेज एंड इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट इन केस ऑफ सॉल्यूशन, ओके। ऑल दीज थिंग्स आर मेंशनड बाय मी इन द प्रीवियस लेक्चर 13। एंड नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन डिस्पर्सन मीडियम, द कंपोनेंट ऑफ कोलोइड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इज नोन एज डिस्पर्सन मीडियम एंड इन केस ऑफ सॉल्यूशन इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट। ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड बाय मी इन द प्रीवियस लेक्चर, ओके। हिंदी में बता देते हैं, डिस्पर्स्ड फेज किसको कहते हैं कि कोलोइड्स का वह कंपोनेंट जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है उसे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और यह सॉल्यूशन में सॉल्यूट के बराबर होता है। डिस्पर्सन मीडियम किसको कहेंगे? कोलोइड्स का वह अवयव जो अधिक मात्रा में रहता है उसको क्या कहेंगे? डिस्पर्सन मीडियम, या सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के इक्वल होता है। ये सब बता दिए, इस आधार पर हम क्लासिफाई किए थे कोलोइड्स को कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। इस आधार पर हम कोलोइड्स को कितने भाग में बांटे थे? 8 भाग।
एकदम वो टेबल एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तुमसे कोई पूछ देगा इमल्शन क्या है, या टू मार्क्स में आ जाएगा या ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, इमल्शन क्या है, क्या कहोगे? वे कोलोइड्स जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं, उसे इमल्शन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, मिल्क। मिल्क बेसिकली क्या है, वाटर है, और उसमें क्या रहता है, फैट मॉलिक्यूल्स रहता है। तो फैट मॉलिक्यूल भी क्या है, लिक्विड है, वाटर भी क्या है, लिक्विड है ना। चूंकि फैट कम मात्रा में है इसीलिए वह क्या हुआ, डिस्पर्स्ड फेज, और वाटर अधिक मात्रा में है इसीलिए वह क्या हुआ, डिस्पर्सन मीडियम। दोनों के दोनों लिक्विड है इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, इमल्शन। एकदम याद रखना बच्चों, इसे सब भूलना नहीं है। उसी में पूछ देगा तुमको सॉल्ट क्या है ना, सॉल्ट क्या है, क्या कहोगे? ऐसा कोलोइड्स जो फ्लूड के तरह, द्रव के तरह प्रतीत होता है उसको क्या कहेंगे, सॉल्ट। तो सॉल्ट में क्या होता है, वे कोलोइड जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड रहेगा और डिस्पर्सन मीडियम क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, इस कारण से वह फ्लूड के तरह प्रतीत होता है। ऐसे कोलोइड्स का नाम हम क्या दिए हैं, सॉल्ट। एकदम ये सब याद रखना, इसे पूछेगा टू मार्क्स में भी अलग से आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। इसी में तुमको पूछ देगा जेल क्या है, तो जेल क्या है, क्या कहोगे? ऐसा कोलोइड्स जो सॉलिड के तरह अपीयर होता है, सॉलिड के तरह, ठोस के तरह प्रतीत होता है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, जिसमें डिस्पर्स फेज क्या होगा बताओ, जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, सॉलिड होगा। जस्ट उल्टा, डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, सॉलिड होगा। तो ऐसे कोलोइड्स को हम लोग क्या कहेंगे, जेल कहते हैं ना। तभी नहीं यह क्या होता है, सॉलिड के तरह अपीयर होता है, सॉलिड के तरह अपीयर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, बटर। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, बटर, चीज, जेली। तो ये सब हम पढ़ा दिए हैं। आज नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड, मैंने क्लासिफिकेशन जो है कोलोइड्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं दूसरे तरीका से। पिछले क्लास में जो हम क्लासिफाई किए थे किस आधार पर, कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इस आधार पर आठ प्रकार हुआ। आज दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच अट्रैक्शन क्या है, इंट्रैक्शन क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंट्रैक्शन क्या है। इस आधार पर कोलोइड्स जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। वही लिखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ओके, परिक्षेपित प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम। डिस्पर्स्ड फेज को हिंदी में कहते हैं परिक्षेपित प्रवस्था, तथा डिस्पर्सन मीडियम को हिंदी में कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। के आधार पर, के बीच आकर्षण के आधार पर, परिक्षेपित प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण के आधार पर कोलोइड्स का वर्गीकरण आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इस आधार पर कोलोइड्स जो है दो प्रकार के होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच आकर्षण क्या है। इस आधार पर कोलोइड्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक को कहते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स, दूसरे को कहते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स। नाम से ये स्पष्ट है, लायो मैंने लिक्विड, फिलिक मैंने क्या हुआ, लविंग। लायो मीन्स लिक्विड, अफिलिक मैंने लविंग, लविंग मैंने एफिनिटी। ऐसा कोलोइड्स जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच आकर्षण अधिक होता है, ऐसा कोलोइड्स जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच क्या होता है, आकर्षण अधिक होता है, उसे लायोफिलिक कोलोइड्स कहते हैं। जैसे स्टार्च का कोलोइड्स, गम का कोलोइड्स, एल्बुमिन का कोलोइड्स, वाटर है जैसे उसमें स्टार्च मिला देंगे फट से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके लिए तुमको अलग से कोई स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। उसको कहेंगे लायोफिलिक कोलोइड्स। वाटर लिए, उसमें क्या मिला दिए, गम मिला दिए, गोंद मिला दिए, तो फट से क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच क्या है,
अट्रैक्शन है, ऐसे पोलवाइड्स को क्या कहते हैं? लायोफिलिक पोलवाइड्स। दूसरे कहते हैं लायोफोबिक पोलवाइड। अगेन लायो मीन्स लिक्विड, फोबिक मीन हेटिक ना। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच आकर्षण क्या होगा? नहीं होगा। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच आकर्षण नहीं होगा या कम होगा, तो ऐसे कोलवाइड्स को क्या कहते हैं? लायोफोबिक कोलवाइड्स। जैसे गोल्ड का कोलवाइड्स, सिल्वर का कोलवाइड्स ना, प्लेटिनम के कोलवाइड्स, ये सब के कोलवाइड्स कैसा कहलाया बताओ? ये सब कोलवाइड्स कहलाया लायोफोबिक कोलवाइड्स। देखो आजकल गोल्ड जो है सोना बहुत कॉस्टली है, सोना को यदि घर में रखोगे तो चोर डकैत आता है, बहुत बात हो जाता है, चोरी हो जाता है, डकैती हो जाता है। लॉकर में रखता है तो लॉकरों से गायब होने लगता है नहीं। तो आजकल देखो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री को याद करें, गोल्ड को क्या करेंगे? कोलॉइडल सॉल्यूशन में बना देंगे। अब कैसे बनाएंगे आगे पढ़ाएंगे। गोल्ड है, इसको ब्रीडिंग आर्क मेथड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेंगे, यानी गोल्ड को बना देंगे सॉल्यूशन, मतलब जस्ट वाटर बना देंगे, पानी बना देंगे। गोल्ड को पानी बना दिया, उसको क्या किए? ड्राम में रख दिए, अब बरंडा पर छोड़ दिए। कोई भी आएगा तो कहेगा इस ड्राम में क्या है? तो पानी है। जबकि उस पानी में क्या है? सोने के कण है। आया समझ में? अब कहोगे सर जो भी सोना था सब तो पानी बन गया, तो जो सोना था वो भी गायब हो गया? तो गायब नहीं हुआ। फिर जब जरूरत पड़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे? फिर एक ऐसा मंत्र मारेंगे कि फिर सोना प्राप्त कर लेंगे। ओके, फिर उसमें एगो मंत्र देना होगा, उस मंत्र को जैसे ही पढ़ेंगे वो फिर से क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। कैसे बनेगा? उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो जितना भी कोलॉइडल सोना के जो कण है, छोटे छोटे कण कोलॉइड्स के रूप में है, वह सभी छोटे छोटे कण जो है इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद एक बड़े कण के आकार में, बड़े सोने के आकार में ना, जैसे उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो जितना भी सोना का छोटा छोटा कण है सभी जुड़ के क्या होगा? एक हैवी मास, एक बड़े मास वाले पदार्थ का निर्माण कर लेगा। और उस सोना को हम उन्हें क्या करेंगे? पानी से अलग कर देंगे। फिर जितना जरूरत है उतना का आभूषण बना लिए, या जितना भी जरूरत है उतना को बेच दिए। उसके बाद जो सोना बचा फिर हम उसको क्या करेंगे? ब्रीडिंग आर्क मेथड के द्वारा सॉल्यूशन बना के ड्राम में रख देंगे, ड्राम में रख के बरंडा पर छोड़ देंगे। कोई नहीं आएगा, कोई चोर डकैत नहीं आएगा। चोर डकैत आएगा कहेगा ये ड्राम है, और ड्राम में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। समझ में? फिर जरूरत पड़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, और फिर छोटे छोटे कण सोना के मिलके एक हैवी आकार, बड़ा आकार का सोना बन जाएगा। हम उसको ओके। इस आधार पर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास फिक्स। समझ रहे हैं ना? इसका यूज केमिस्ट्री का दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा है। जितना भी आप केमिकल्स यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, सब के सब क्या है? केमिकल से है ना। आप साबुन सरफ शैंपू यूज करते हैं, सब के सब क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। और सबको केमिकल विधि के द्वारा, केमिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। जितना भी पॉलीमर है आप बेंच वेंच जो देखते हैं, प्लास्टिक का टेबल कुर्सी, सब क्या है? केमिकल पदार्थ है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री के द्वारा उसको बनाया जाता है। ओके, तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं बच्चों? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच आकर्षण के आधार पर कोलॉइड्स का वर्गीकरण। On this basis, there are two types of colloids. On this basis, मतलब के आधार पर, मैं बहुत हिंदी भैया पूछता हूँ। On this basis में के आधार पर There are two types of colloids. Colloids कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को हम लोग कहेंगे लायोफिलिक colloids, द्रव स्नेही colloids। और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? लायोफोबिक colloids।
लायोफोबिक और वाइज। क्लियर हुआ? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच आकर्षण कैसा है, इस आधार पर कोलॉइड्स कितने तरह के हुए? दो तरह। कौन कौन? लायोफिलिक और लायोफोबिक। अब दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट देखो, हम लोग पढ़ेंगे लायोफिलिक कोलॉइड्स। द्रव स्नेही कोलॉइड्स, द्रव स्नेही कोलॉइड्स। नामे से स्पष्ट है, लायो लायो मीन्स क्या हुआ? लिक्विड। द्रव ना, लायो मीन्स क्या हुआ? लिक्विड। अफिलिक मीन्स क्या हुआ? लविंग। लिक्विड लविंग, लिक्विड लविंग कोलॉइड्स को हम लोग क्या कहेंगे? लायोफिलिक ना। इसको कहेंगे ऐसा कोलॉइड्स जिसमें डिस्पर्स फेज और तथा डिस्पर्सन मीडियम के प्रति डिस्पर्स फेज तथा डिस्पर्सन मीडियम के प्रति आकर्षण होता है, उसे क्या कहेंगे? लायोफिलिक कोलॉइड्स कहा जाता है। नहीं, The dispersed phase को हिंदी में क्या कहेंगे? Dispersed phase को हिंदी में बताए थे परिक्षेपित प्रवस्था। Colloidal solution in which dispersed phase have affinity for the dispersion medium is called lyophilic colloids. The colloidal solution in which dispersed phase have affinity for the dispersion medium is called or is termed as the lyophilic colloids. See, lyophilic colloids बहुत simple है, इसमें कुछ है नहीं। इसको हिंदी में लिखते हैं ऊपर, इसे वे कोलॉइड्स, वे कोलॉइड्स जिसमें डिस्पर्स फेज तथा डिस्पर्सन मीडियम के प्रति मीडियम के बीच आकर्षण होता है, के बीच आकर्षण होता है उसे लायोफिलिक कोलॉइड्स कहा जाता है। हिंदी देखिए, फिर समझा देते हैं। द कोलॉइडल सॉल्यूशन और द कोलॉइड्स इन विच डिस्पर्स फेज हैव एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड लायोफिलिक कोलॉइड। वे कोलॉइड जिसमें डिस्पर्स फेज
तथा डिस्पर्शन मीडियम के बीच आकर्षण होता है, लगाव होता है, उसे लायोफिलिक कॉलोइड्स कहा जाता है। ओके, लायोफिलिक कॉलोइड्स कहा। अब देखिए इसका एग्जांपल ना, जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च के कोलोइडल सॉल्यूशन ना, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च या सीधे कहते हैं स्टार्च का कोलोइडल सॉल्यूशन ना, गम का कोलोइडल सॉल्यूशन। स्टार्च है उसको पानी में मिला दिए तो क्या बना, स्टार्च का कोलोइडल सॉल्यूशन। उसमें पानी को क्या कहेंगे, डिस्पर्शन मीडियम, स्टार्च को क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। दोनों को जैसे ही संपर्क में लाएंगे, जैसे ही वाटर के संपर्क में स्टार्च को लाएंगे, फट से सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब दोनों के प्रति क्या है, आकर्षण। ऐसे कोलोइड्स को क्या कहेंगे, लायोफिलिक कोलोइड्स। उसी प्रकार से गम है, गम को जैसे वाटर के संपर्क में लाएंगे, गोंद को जैसे वाटर के संपर्क में लाएंगे, फट से क्या करेगा, सॉल्यूशन बना लेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब दोनों के प्रति लगाव है, तो ऐसे सॉल्यूशन कहेंगे लायोफिलिक कोलोइड। एल्बुमिन, एल्बुमिन का कोलोइड यह सब लायोफिलिक कोलोइड के उदाहरण। अब देखो लायोफिलिक कोलोइड्स में क्या होता है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के प्रति आकर्षण ज्यादा है ना, इसलिए इस प्रकार के कोलोइड्स क्या होगा, यह ज्यादा स्टेबल होगा, यह स्थायी होगा, यह क्या होगा बताओ, यह स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, यह क्या होगा, मोर स्टेबल कोलोइड होगा, मतलब यह अधिक स्थायी होगा, क्योंकि आकर्षण ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा है क्या होगा, अधिक स्टेबल होगा। और देखो इसमें क्या बात है, ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है यह तो अधिक स्टेबल होते ही है ना, इसका नेचर प्रायः होता है ऑर्गेनिक नेचर के, यह क्या होते हैं ऑर्गेनिक। स्टार्च क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्युमिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक। यह रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उत्क्रमणीय होते हैं, यह क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों दिशा, जैसे क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन है स्टार्च का, गम का कोलोइडल सॉल्यूशन है, तुम इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, गर्म करोगे तो क्या होगा कि डिस्पर्शन मीडियम जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा, नीचे बच जाएगा क्या हमारा, डिस्पर्स्ड फेज बच जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन से डिस्पर्स फेज अलग हो गया, डिस्पर्शन मीडियम अलग हो गया, बच गया डिस्पर्स्ड फेज। अब उस डिस्पर्स्ड फेज को जैसे ही तुम डिस्पर्शन मीडियम के संपर्क में लाओगे तो वह पुनः क्या करेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेगा। इसका मतलब यह क्या होता है, रिवर्सिबल होता है दोनों दिशा में, समझे। फिर बताते हैं एक बार, जैसे मान लो स्टार्च का सॉल्यूशन है उसको गर्म करेंगे या कोई अलग टेक्निक के द्वारा हम उसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे, डिस्पर्शन मीडियम अलग हो गया, नीचे बच गया क्या, डिस्पर्स्ड फेज, दोनों अलग अलग हो गया। और जैसे ही उसको फिर वाटर के संपर्क में लाएंगे तो पुनः क्या बना लेगा, स्टार्च का कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेगा, इसलिए यह प्रोसेस क्या है, क्लियर हो गया। लायोफिलिक कोलोइड्स किसको कहते हैं, फिर दोनों में अंतर पढ़ना है इसीलिए बता रहे हैं, लिख लिया होगा। लायोफिलिक कोलोइड्स क्या है आप समझ गए होंगे खूब बढ़िया से। दूसरा जो है आपको लायोफोबिक कोलोइड्स, लायोफोबिक कोलोइड्स। लायोफोबिक कोलोइड्स ना, लायोफोबिक कोलोइड्स। ओके,
द्रव विरोधी, द्रव विरोधी कोलोइड्स द्रव विरोधी कोलोइड्स नाम से यह स्पष्ट है ना। लायोफोबिक अगेन क्या हुआ, लायो मीन्स क्या हुआ, लिक्विड। अफोबिक, फोबिक मीन्स क्या हुआ, हैटिंग। हैट मैंने गिरना करना, गिरना मैंने विरोध करना। लायो मीन्स अगेन लिक्विड, फोबिक मीन्स क्या हुआ, हैटिंग। हैटिंग मैंने क्या हुआ, विरोध करना। विरोध करने का मतलब यहाँ ये हुआ कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच आकर्षण क्या होगा, नहीं होगा या बहुत कम होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, लायोफोबिक कोलोइड्स कहेंगे। द कोलोइडल सॉल्यूशन, द कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच The colloidal solution in which the dispersion, dispersed phase, the colloidal solution in which the dispersed phase has no attraction for the dispersion medium, for the dispersion medium is called lyophobic colloids. The colloidal solution in which the dispersed phase has no attraction for dispersion medium is called lyophobic colloid. ऐसे भी कह सकते हैं दोज colloidal solution, नहीं लैंग्वेज तो देखिए अपने मन से बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। यही देखिए आप सेंस समझ जाइए, लायो मीन्स लिक्विड, फोबिक मीन्स हैटिंग, लिक्विड के प्रति हैटिंग होगा। ऐसे भी कहिएगा दोज colloidal solution in which dispersed phase have little attraction or no attraction for the dispersion medium is known as lyophobic colloids. या तो आकर्षण नहीं होगा या तो आकर्षण बहुत कम होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, lyophobic colloids कहेंगे। वे colloids जिसमें dispersed phase तथा dispersion medium के बीच आकर्षण बहुत कम होता है उसे या नहीं होता है, बहुत कम होता है भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं होता है, नहीं दोनों चलेगा। उसे लायोफोबिक कोलोइड्स कहा जाता है, लायोफोबिक कोलोइड्स कहा। हुए कोलोइड्स पहले यहां पर देते हैं, द कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स फेज हैव नो अट्रैक्शन फॉर द डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड लायोफोबिक कोलोइड। हुए कोलोइड जिसमें डिस्पर्स फेज तथा डिस्पर्सन मीडियम के बीच आकर्षण बहुत कम होता है उसे लायोफोबिक कोलोइड्स कहते हैं।
इस तरह कार्बाइड को चूंकि अट्रैक्शन नहीं है ना, इस तरह कार्बाइड में क्या है, अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए इस कार्बाइड को बनाना डिफिकल्ट है। इसको स्पेशल टेक्निक के द्वारा हम लोग बनाते हैं, आसानी से नहीं बनता। जैसे एग्जांपल लो गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड एयू क्या हुआ, गोल्ड उसका सॉल्ट ना, गोल्ड सॉल्ट। उसके बाद क्या हुआ, सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ना, सिल्वर का सॉल्ट। उसी तरह से जब फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट, यह सब के सब क्या कहलाते हैं, यानी जितना भी मेटल है, मेटल का सॉल्ट या लायोफोबिक कार्बाइड्स होते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड को सोना को पानी में मिला देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब सिल्वर है, सिल्वर को पानी में डालेंगे तो कार्बाइडल सॉल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि गोल्ड को पानी से आकर्षण नहीं है, गोल्ड जो है मान लो डिस्पर्स्ड फेज हो गया, वाटर जो है डिस्पर्सन मीडियम हो गया, दोनों के बीच आकर्षण नहीं है, इसलिए इसे आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। इसको हम लोग स्पेशल टेक्निक से बनाते हैं, ब्रीडिंग आर्क मेथड के द्वारा बनाते हैं, बहुत सारा टेक्निक है उसके द्वारा बनाते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ये सब टेक्निक के द्वारा हम लोग बनाते हैं, इसको आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह के कार्बाइड जो है स्टेबल नहीं होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। इस तरह के कार्बाइड्स जो होते हैं वह क्या होते हैं बताओ, लेस स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी नहीं होते हैं ना। इस तरह के कार्बाइड क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी नहीं होते, जबकि लायोफिलिक क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। उसके बाद बताया कि लायोफिलिक जो रिवर्सिबल होता है, यह इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय मतलब एक ही दिशा में होगा। जैसे मान लो गोल्ड का सॉल बना दिया, अब गोल्ड के सॉल को हम मान लो वाष्पन कर देंगे, वाष्पन कर देंगे तो क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम तो उड़ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, गोल्ड का पार्टिकल बच जाएगा, गोल्ड बच जाएगा। या कोएगुलेशन कर लेंगे, कोएगुलेशन कर होता है स्कंदन करना, स्कंदन करेंगे पानी तो हट जाएगा, नीचे बच जाएगा सोना, गोल्ड बच जाएगा। अब हम फिर क्या करेंगे, सोना को पानी में मिला देंगे तो क्या कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, जान दीजिएगा, गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन है, हम उसका वाष्पन कर दिए, हीट कर दिए तो पानी उड़ जाएगा तो नीचे गोल्ड बच जाएगा। अब उस गोल्ड को अगेन पानी में मिला देंगे तो क्या कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब यह क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है या एक ही दिशा में होता है, और जबकि लायोफिलिक कार्बाइड्स रिवर्सिबल होता है ना। ये सब कार्बाइड जनरली इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, और जबकि लायोफिलिक कार्बाइड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। यही सब क्या है, लायोफिलिक कार्बाइड्स और लायोफोबिक कार्बाइड में अंतर है, लिखो बच्चों, उसको उतारिए बढ़िया से। एग्जाम में खूब पूछता है, 2 नंबर का आएगा, लायोफिलिक कार्बाइड्स और लायोफोबिक कार्बाइड्स में क्या अंतर है, नहीं पढ़ेगा। बोले ना कि 13 के बाद जितना भी लेक्चर लेंगे सब इम्पोर्टेंट है, आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिल जाएगा। खूब आता है एग्जाम में लायोफिलिक कार्बाइड्स और लायोफोबिक कार्बाइड्स में अंतर क्या है। सब दुनियाई क्वेश्चन है, सबको उसको पढ़ना, एक एक दिन पढ़ा रहे हैं, उधर से जीओसी भी खींच रहे हैं, इधर से एक इनको खेला ब्लास्ट। डिफरेंसेस बिटवीन Differences between
लिक्विड लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉन्वाइट्स। बोलो हिंदी में लिखे हैं लायोफिलिक कॉन्वाइट्स तथा लायोफोबिक कॉन्वाइट्स में अंतर ना? जी द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कॉन्वाइट्स में अंतर। एकदम ये सब क्वेश्चन दो नंबर का आता है। अंतर पर हमने पढ़ाई दी है, समझ रहे हैं? सब क्वेश्चन भी आए हैं, उसको दिमाग में रखिए। ओके, तो इसके लिए हम तीन गो टेबल बनाते हैं। एक साइड प्रॉपर्टी देते हैं, प्रॉपर्टी एक साइड देते हैं लायोफिलिक कॉन्वाइट्स, एक साइड देते हैं लायोफोबिक कॉन्वाइट्स। इसी तरह से लिखिएगा, जब भी अंतर आ जाए इस तरह से लिखना है ना? तो फर्स्ट डिफरेंस देंगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो लायोफिलिक में क्या है, स्टार्च को जैसे ही पानी के संपर्क में लाओगे सॉल्यूशन बन जाएगा ना? बताओ, स्टार्च को पानी के संपर्क में जैसे ही लाओगे तो क्या होगा, तुरंत सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसलिए क्या कहेंगे, लायोफिलिक सॉल्यूशन को हम आसानी से बना सकते हैं ना? इजीली प्रिपेयर आसानी से बनाया। इसको लायोफोबिक में क्या है, इसमें डिस्पर्स पेज और डिस्पर्सन मीडियम के प्रति आकर्षण कम ना होता है, इसलिए इसको आसानी से नहीं बना सकते। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजली इसे आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि लायोफोबिक कॉन्वाइट में डिस्पर्स पेज और डिस्पर्सन मीडियम के प्रति आकर्षण नहीं है। वोल्ट का सॉल्यूशन है क्या, उसको आसानी से बना सकते हैं? इसीलिए लिखे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजली, इसे आसानी से नहीं बनाया जा सकता। ओके, इस तरह से बहुत सारा क्या है, डिफरेंस है, अंतर है, सबको एक एक करके पढ़ना ना। उसके बाद देखिए आप लोग नेचर, इसका प्रकृति अनुपलब्ध पढ़ा है, नेचर इसका प्रकृति देखिए। लायोफिलिक कॉन्वाइट्स बताए थे कि गर्म करेंगे तो डिस्पर्सन मीडियम अलग हो जाएगा, डिस्पर्स पेज अलग हो जाएगा, और फिर दोनों को जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो फिर कॉन्वाइटल सॉल्यूशन बन जाएगा, इसीलिए यह क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय होगा। उत्क्रमणीय का मतलब ये हुआ कि डिस्पर्स पेज डिस्पर्सन मीडियम को मिला दिए तो बन गया कॉन्वाइटल सॉल्यूशन, फिर दोनों को क्या किए,
फिर दोनों को हम क्या किए, अलग कर, फिर दोनों को डिस्पर्स, फिर डिस्पर्सन मीडियम को मिला दिए तो क्या बन गया, कोलोइडल सॉल्यूशन। आ फिर दोनों को वाष्पन विधि के द्वारा क्या किए, अलग कर, आ फिर दोनों के एक दूसरे के संपर्क में लाए तो फिर क्या बन गया, कोलोइडल सॉल्यूशन। इसलिए यह प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल, चूंकि आकर्षण ज्यादा है या इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब हुआ कि डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम को हम किसी टेक्निक के द्वारा तो कोलोइडल सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन तो बन गया, अब पुनः हम उसको यदि अलग कर देते हैं किसी टेक्निक के द्वारा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम अलग कर देते हैं, अब पुनः दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो नहीं बनेगा। पुनः हम उसको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन पुनः नहीं बनेगा। इसका मतलब यह क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, जबकि यह रिवर्सिबल। थर्ड देखिए, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी स्थायित्व, स्थायित्वता या स्थायित्व, स्टेबिलिटी। इसमें क्या कहेंगे, डिस्पर्स पे डिस्पर्सन मीडियम के बीच आकर्षण अधिक है, इसीलिए क्या कहेंगे, मोर स्टेबल। क्या होते हैं, अधिक अस्थाई होते हैं या अधिक अस्थाई होते हैं, इसमें क्या कहेंगे, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, और क्या होते हैं, कम अस्थाई होते हैं, ये मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। ओके, ये सब क्या है, डिफरेंस है, अब हमें अंतर है, अब लिखते चलिएगा, पॉइंट वाइज हम दिखा रहे हैं, एग्जाम में आएगा दो नंबर का, कम से कम चार गो पाँच गो पॉइंट दीजिए, ओके, चार गो पाँच गो पॉइंट देना है आपको। थर्ड पॉइंट है ना, नेक्स्ट आप देखिएगा फोर्थ पॉइंट कि हम इसको डिफरेंस कैसे लाएंगे। इसके लिए जो है कोएगुलेशन या स्कंदन या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखो, विजिबिलिटी देखिए, पहले दृश्यता, विजिबिलिटी दृश्यता, जब कोलोइडल सॉल्यूशन को तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ेगा, तो पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। और जब तुम लाइव कोविड कोलोइड्स को तुम देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो इसमें भी पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के यूज करेंगे। माइक्रोस्कोप पुस्तक में छोटी वस्तु को देखने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के यूज करते हैं। तो जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो भी लायोफिलिक कोलोइड्स जो है उसमें पार्टिकल दिखाई नहीं पड़े, लेकिन जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं तो लायोफिलिक कोलोइड्स में पार्टिकल दिखाई पड़ते हैं। क्या बोले, समझे, विजिबिलिटी में दृश्यता, जो कोलोइडल सॉल्यूशन हम बनाए हैं जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे इसमें कण दिखाई नहीं पड़े लायोफिलिक, और जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे इसमें कण क्या करेंगे, दिखाई पड़े। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन विथ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, न पार्टिकल्स आर, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, विजिबल बाय
अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इसमें क्या कहेंगे, पार्टिकल्स आर विजिबल बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इसमें हिंदी में क्या कहेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने पर भी रिकन दिखाई नहीं पड़ते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसमें क्या कहेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने पर कण दिखाई पड़ते हैं। इसको ताली बच्चों पर ध्यान से, क्योंकि आकर्षण जितना ज्यादा है ना मिला जुला के होमोजीनियस टाइप के मिक्सर बना देता है, इसलिए इसमें कण दिखाई नहीं पड़ते ना, दिखाई नहीं पड़ते। नेक्स्ट देखिए आप, कोएगुलेशन पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी, कोएगुलेशन इसको हिंदी में कहते हैं स्कंद, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, स्कंद। स्कंद मतलब क्या हुआ, जम जाना, स्कंद करना मतलब जम जाना, उसको ताली बजाना स्कंद। इसमें क्या आता है, स्कंदन मतलब जम जाना, कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है उसमें डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल है डिस्पर्शन मीडियम में तैरते रहता है, और जब हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो जितने भी छोटे छोटे कण हैं वह आपस में जुड़ के पुनः एक क्या करता है, बड़े आकार का निर्माण कर लेता है, पुनः एक हेवी मास का निर्माण कर लेता है, इस क्रिया करते कोएगुलेशन। आगे हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी, फिर समझाएंगे, समझाते हैं कोएगुलेशन क्या है। मान लो गोल्ड का सॉल है, गोल्ड का सॉल है यानी कि वाटर में सोने के छोटे छोटे कण, अब जब हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो सभी छोटे छोटे सोने के कण मिलके एक हेवी मास एक बड़े द्रव्यमान का आकार का निर्माण कर लेते हैं, इस क्रिया को कहते हैं कोएगुलेशन, हिंदी में कहते हैं स्कंदन। तो लायोफिलिक कोलोइड्स जो है इसमें आकर्षण बहुत ज्यादा है ना, इसलिए आप इसको आसानी से कोएगुलेट नहीं कर सकते ना, कैन नॉट बी कोएगुलेटेड इजीली, कैन नॉट बी कोएगुलेटेड इजीली, मतलब इसको आसानी से स्कंदित नहीं कर सकते। Okay? इसमें क्या कहेंगे, कैन बी कोएगुलेटेड, कैन बी कोएगुलेटेड इजीली, इसको आसानी से स्कंदित कर सकते हैं, किसको, लायोफिलिक, इसे आसानी से स्कंदित नहीं कर सकते। इसमें क्या कहेंगे, इसे आसानी से स्कंदित किया
जा सकता है। इसे आसानी से स्कंदित किया जा सकता है। स्कंदन समझ गया ना, जम जाना, मतलब छोटे छोटे कण गिर के पुनः जो है बड़े कण का निर्माण कर लिया, इसी क्रिया करते स्कंदन। इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद भी आसानी से कैलकुलेट नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तभी कैलकुलेट होगा। इसमें क्या होगा, इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे दिया क्या होगा, कैलकुलेट हो जाता है, कैन बी कैलकुलेट इजीली। कैसे, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कैलकुलेटिंग बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ना, हिंदी यही हुआ, इलेक्ट्रोलाइट डालने पर इसे आसानी से स्कंदित किया जा सकता है। लिखे, इसे आसानी से स्कंदित किया जा सकता है। कैसे, इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तभी लिख दिया है। यहाँ क्या कहोगे, इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी मात्रा डालने पर इसे आसानी से स्कंदित किया जा सकता है। यही सब क्या है, दोनों में डिफरेंस है, अंतर। और अंतर है भैया, देखिए और अंतर, ये जो है फाइव डिफरेंस हम बताए हैं लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स में, अंतर में फाइव डिफरेंस बताए हैं। और अंतर है, और पढ़ना है आपको सिक्स। सिक्स में आप क्या देखिएगा, विस्कोसिटी, श्यानता, विस्कोसिटी, श्यानता, विस्कोसिटी समझते हैं, यह द्रव का क्या है गुण। पन को तुम यहाँ पर गिरा दोगे, पेट्रोल को गिरा दोगे, यह पेट्रोल क्या होगा, पूरे फर्श पर फैल जाए। इसका मतलब क्या कहेंगे कि वाटर का, पेट्रोल का, डीजल का विस्कोसिटी, श्यानता बहुत कम। वही हनी है, मधु या अलकतरा, अलकतरा को हो जाए तो अलकतरा के इतना बड़ा ढेला लेकर वहाँ रख देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पसर जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे पसर के यहाँ से वहाँ नहीं चला जाएगा, ये थोड़ा सा पसरेगा, थोड़ा सा बिखरेगा। हनी है मधु, मधु को भी थोड़ा सा गिरा देंगे तो क्या होगा, हल्का चारों साइड फैलेगा, लेकिन बहुत दूर यहाँ से फैल के वहाँ नहीं चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हनी का, मधु का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, पेट्रोल का, डीजल का, पानी का विस्कोसिटी कम है। यह द्रव का क्या है, गुण। तो विस्कोसिटी में क्या कहेंगे, विस्कोसिटी इज हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। पहले जितना था डिस्पर्सन मीडियम का विस्कोसिटी, पहले डिस्पर्सन मीडियम का जितना विस्कोसिटी था, और जैसे उसमें डिस्पर्स फेज मिला दिए तो दोनों को बना लिया सॉल्यूशन। यहाँ पर जो सॉल्यूशन का विस्कोसिटी होगा वह डिस्पर्सन मीडियम से क्या होगा, अधिक होगा, यानी विस्कोसिटी इज हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज हायर देन द Then the dispersion medium. Dispersion medium. Dispersion medium से क्या होगा, अधिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों मिलके जो आपस में बना दिया लायोफिलिक कोलाइड्स, उसका विस्कोसिटी पहले से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। इसमें क्या कहेंगे, विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। Viscosity is nearly same as dispersion medium। यहाँ तो आकर्षण है ना, इसलिए दोनों का लगभग क्या होगा, सेम। क्या कहेंगे, डिस्पर्सन मीडियम की अपेक्षा,
पर्सन मीडियम की अपेक्षा इसका श्यानता अधिक होता ओके इसमें क्या कहेंगे इस पर्सन क्या कहेंगे इसकी श्यानता इस पर्सन मीडियम की अपेक्षा इसकी श्यानता अधिक होता है इसमें क्या कहेंगे इसकी श्यानता इस पर्सन डिस्पर्सन मीडियम के लगभग समान होता है यही सब क्या है दोनों में अंतर है दोनों में अंतर है कोएगुलेशन तो समझ गए होंगे भैया कोएगुलेशन किसको कहते हैं रेगुलेशन क्या है आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कहीं कोई बात नहीं है यही सब दोनों में अंतर है नेक्स्ट देखिए सेवंथ डिफरेंस सेवंथ डिफरेंस देखिए क्या है नेचर ऑफ सब्सटेंस नेचर ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की प्रकृति लाइफ भी प्रोवाइड्स जितना भी बताए सब के सब क्या बताए स्टार्च का सोल्यूशन एल्बुमिन का सोल्यूशन बताए ना ग्लू का सोल्यूशन जिलेटिन का सोल्यूशन इसलिए इसकी प्रकृति इसका सब्सटेंस जो होगा वह क्या होगा ऑर्गेनिक होगा कार्बनिक नेचर होगा इसमें क्या बताए थे गोल्ड का सोल्यूशन सिल्वर का सोल्यूशन फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन क्रोमियम का सोल्यूशन इसीलिए यह कैसा प्रॉपर्टी होगा यह इन ऑर्गेनिक प्रकृति का होगा उसके बाद टिंडल इफेक्ट एक और हालांकि टिंडल इफेक्ट को अभी पढ़ाए नहीं टिंडल इफेक्ट इसके बाद वही सब पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट क्या है तो आगे हम पढ़ाई में थोड़ा सा बता देते हैं कि जब कोलोइडल सॉल्यूशन से होकर हम लाइट प्रवाहित कराते हैं तो लाइट के कण क्या होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन से टकराते हैं टकराने के कारण वहाँ प्रकाश क्या होता है सारी दिशा में बिखर जाता है यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है प्रकाश का क्या होता है प्रकीर्णन होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है जिसके कारण प्रकाश का पथ क्या होता है चमकने लगता है तो जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन से होकर पास कराते हैं तो प्रकाश का पथ चमकने लगता है इसी इफेक्ट को देखा कौन टिंडल ने अपने नाम पर रखा टिंडल इफेक्ट लेकिन वही जब प्रकाश मान लो टॉर्च लिए टॉर्च से हम क्या किए स्टार्च के सॉल्यूशन बनाए गम के सॉल्यूशन बनाए उससे टॉर्च प्रवाहित किए अंधेरे रूप में तो यहाँ प्रकाश का पथ जब सॉल्यूशन से कोलोइडल सॉल्यूशन से होकर पास करेगा तो उसका पथ क्या होगा चमकने लगेगा लाइट में स्केटरिंग के कारण इसी प्रभाव को कहते हैं क्या टिंडल इफेक्ट लेकिन जब उसी लाइट को जब सॉल्यूशन से चीनी पानी के सॉल्यूशन लिए उससे होकर प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा उसका पाथ नहीं चलेगा यानी लाइट के स्केटरिंग नहीं होगा तो टिंडल इफेक्ट जो सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा ये आगे आप पढ़िएगा लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में मिलेगा अब कोलोइडल सॉल्यूशन की तो आगे दो तरह लायोफिलिक लाइफ हो चूंकि इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच आकर्षण बहुत अधिक है इसलिए यह लगभग कैसा सॉल्यूशन बना देता है होमोजीनियस मिक्सचर लगभग बना देता है इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देखने पर कण दिखाई नहीं पड़ते
इसका मतलब कण बहुत महीन होते हैं, तो क्या यहाँ लाइट के स्केटरिंग संभव है? इसीलिए लायोफिलिक सॉल्यूशन जो है टिंडर इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करेगा। यहाँ काट दिए कि मतलब नहीं कि गलत लिखे, मैंने यह लायोफिलिक प्रोवाइड्स जो है यह टिंडर इफेक्ट नहीं दर्शाएगा, इसीलिए काट। लेकिन जब वही लायोफोबिक प्रोवाइड्स से होकर जब गुजरेगा तो लाइट के कण जब कोलाइडर पार्टिकल से टकराएंगे तो लाइट में क्या होगा? प्रकीर्णन होगा, जिसके कारण लाइट का पाथ चमकने लगेगा। इसीलिए ये लायोफोबिक प्रोवाइड क्या करेगा? टिंडर इफेक्ट दर्शाएगा। प्लस का मतलब हुआ इट शोज टिंडर इफेक्ट, लायोफोबिक प्रोवाइड शोज टिंडर इफेक्ट, व्हाइल लायोफिलिक प्रोवाइड डज नॉट शो टिंडर इफेक्ट। क्रॉस मतलब हुआ इट डज नॉट शो टिंडर इफेक्ट। इसमें क्या कहते हैं? इट शोज टिंडर इफेक्ट, यह टिंडर इफेक्ट दर्शाता है, यह टिंडर इफेक्ट नहीं। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा कि लायोफिलिक प्रोवाइड्स और लायोफोबिक प्रोवाइड्स में क्या अंतर है। उसके बाद कल पुनः पढ़ाएंगे क्या जियो से, समझ रहे हैं? कल पुनः पढ़ाएंगे क्या जियो से। और कल से हम बोले थे, फिर बोल रहे हैं, 11 क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने मैट्रिक जो इस बार पास किए हैं उसका करीब करीब 10 वीडियो हम बेसिक कंसेप्ट पर दे दिए हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। जो स्टूडेंट 12 का हैं उनको भी यदि मोल कॉन्सेप्ट में परेशानी होगी, कठिनाई होगी, तो आप भी 12 के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, चूँकि केमिस्ट्री तो लिंक है ना, सबको सब चीज़ की जरूरत है। इसीलिए केमिस्ट्री में कोई 11 कोई 12 नहीं होता है, केमिस्ट्री में सिर्फ केमिस्ट्री होता है, 11 12 से कोई मतलब इन्हें कि जो 11 ऊपर लिए उस कॉन्सेप्ट का 12 में जरूरत नहीं है। जितना भी कॉन्सेप्ट आप 11 में पढ़े हैं सब के सब कॉन्सेप्ट के 12 में क्या है जरूरत। इसीलिए 11 क्लास के बच्चे के लिए ये वीडियो देंगे ही, लेकिन जो 12 क्लास के स्टूडेंट हैं जिनको कठिनाई होता होगा मोल कॉन्सेप्ट समझने में, या लॉकडाउन के कारण वह मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे, वह भी पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। ओके, थैंक्स।